वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सश्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रियदोस्त प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ गार्की क्लासेस के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया और एक्सप्लेनेशन पेज के डिस्कशन पे। आज डेट है 22 फरवरी 2024। आज जो न्यूज़ है मेनली देखिए अभी क्या है, आज पूरे ही न्यूज़ में मिस्टर फाली एस नारीमन के बारे में ही है। ये कौन है, ये सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। और अभी उनकी रिसेंटली कल या 21 को उनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 95 आई थिंक। तो इसी वजह से क्या है, बहुत ही अच्छे एक एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो उसी में ही सारा जो आर्टिकल है आपका, चाहे एडिटोरियल पेज हो या डिस्कशन पेज हो, एडिटोरियल पेज हो, आइडिया पेज हो, सब में इन्हीं के बारे में है। खैर इसी का जो है एक आर्टिकल इनके बारे में लेंगे हम, जो इन्होंने मेजरली केस लड़ा है। बहुत सारे केसेस हैं लेकिन उसमें से 8-9 केसेस ऐसे हैं जो बहुत ही क्रूशियल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, है ना। एक वो आर्टिकल पिक करेंगे, एक्सप्लेनेशन पेज में दे रखा है अच्छा सा, क्योंकि बाकी आइडिया पेजेस में ना उनके थॉट और उनकी चीज़ें बता रखी हैं कि वो गवर्नमेंट के हिसाब से कैसे कैसे चलते थे। वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ एक आर्टिकल है एक्सप्लेनेशन पेज पे जो गवर्नर का जो रिलेशन है विद द स्टेट उसके बारे में कंसर्न उठा है। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट और तमिलनाडु का जो गवर्नर है मिस्टर रवि, उनके बारे में एक कंसर्न उठा है, उस पर रिलेटेड एक आर्टिकल है। ये दो आर्टिकल आज हम पूरे न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम गवर्नर के आर्टिकल से। देखिए मैं आपको ये मिस्टर आर्टिकल मनुराज शनमुग सुंदरम ने लिखा है, ठीक है। देखिए बात क्या है, मैं पहले आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे ना आपको पता होगा अभी कुछ महीने पहले भी एक बार केस उठा था कि गवर्नर और जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनके बीच में कलेश उठ रहा है। किसके ऊपर, कि बिल्स को पास नहीं कर रहे हैं गवर्नर, ठीक है। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पावर देती है कि जो गवर्नर है वो अपने पास बिल्स को रख सकते हैं, ठीक है। और किस चीज़ के लिए, कि वो प्रेसिडेंट से कंसर्न लेने के लिए, ठीक है। ये डिस्क्रिशन पावर है गवर्नर के पास। तो उसी बेस पे एक इशू वो चल रहा था उससे पहले ना, पिछले साल भी तमिलनाडु सेम इसी टाइम पे, खैर जनवरी का टाइम था वो, तो जब सेशन इनॉग्रेट कर रहे थे ना गवर्नर, तो तब भी एक इशू उठा था तमिलनाडु की गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में, ठीक है। ये इशू अभी फर्स्ट टाइम नहीं है, आज का जो इशू है ये पिछले साल भी रेज किया था, इससे पहले भी इशूज़ काफ़ी आए हैं। तो पिछले साल का एक इशू थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। पिछले साल क्या हुआ था कि जब देखिए आपको पता है कि गवर्नर ना स्टेट की जो असेंबली होती है वो दो टाइम इनॉग्रेट करते हैं। एक तो तब जब हर 5 साल में इलेक्शन होता है और नई सरकार जब आती है तब वो है ना सेशन को बुलाते हैं और इनॉग्रेशन करते हैं, है ना, असेंबली की, एक तो पहला। और हर साल जब सेशन कंप्लीट होने के बाद जब नया सेशन शुरू होता है न्यू ईयर का, तब जो है आते हैं कौन, एड्रेस कौन करता है, आपके गवर्नर करते हैं। किस में, स्टेट लेवल में। सेंटर में एक अलग है जो प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। अभी हम स्टेट की बात करेंगे प्रॉपर। तो क्या हुआ कि पिछले साल जब हुआ था ना, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय अभी कुछ टाइम से जो है तमिलनाडु के गवर्नर मिस्टर रवि हैं, ठीक है। तो उस समय इन्होंने क्या बोला था कि जब गवर्नर एड्रेस करते हैं ना असेंबली को, तो उन्हें एक पेज दिया जाता है, ठीक है, एक लेटर दिया जाता है जिसको रीड करना होता है गवर्नर को। तो पिछले साल सेम मिस्टर रवि ने क्या किया, मना कर दिया था ये बोलते हुए कि भैया जो गवर्नमेंट है ना अपने प्रेजेंटेशन में, जो अपनी शीट्स में है, वो द्रविड़ियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस को इंट्रोडक्शन में लिखा है, तो इसलिए जो है मैं इसको रीड नहीं करूँगा। तो वो वॉकआउट करके चले गए, कौन, गवर्नर। पिछले साल सेम चीज़ इस साल भी हुई है। इस साल क्या हुआ है कि इस साल असेंबली को जब एड्रेस कर रहे थे अभी 12 तारीख को, ठीक है, ये 12 तारीख की न्यूज़ की है एक्चुअली। 12 तारीख को जब गवर्नर असेंबली को एड्रेस कर रहे थे तमिलनाडु के असेंबली को, तब गवर्नर ने ये बोला था कि सभी को स्टैंड आउट होना है इसके लिए, क्या बोलते हैं, एंथम के लिए। तो कोई उठा नहीं, ठीक है, असेंबली से कोई भी नहीं उठा, क्योंकि अब वहाँ से ये बात, अब पूरे आर्टिकल में है ये डिस्कशन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनकी तरफ से उनके लॉयर मिनिस्टर ने ये बोला, लॉयर ने ये बोला कि देखिए पहले हम तमिलनाडु का हमेशा मॉडल इस तरीके से चलता है, पहले हम तमिलनाडु का जो एंथम है उसको हम गाते हैं, उसके बाद ही हम नेशनल एंथम को गाते हैं। लेकिन गवर्नर ने तमिलनाडु एंथम के लिए कुछ बोला ही नहीं, वो सीधा नेशनल एंथम के लिए बोल दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ है, अब ये कलेश हो गया, कोई उठा नहीं, तो गवर्नर को लगा मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो बाहर चले गए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये पूरा मुद्दा है अभी इस वीक का, लास्ट वीक का, ठीक है। तो अभी इसी पे ही पूरा जो है मनुराज जो है
शनमुगा सुंदरम ने आर्टिकल लिखा है, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, एट द इनॉग्रल सेशन ऑफ तमिलनाडु के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें गवर्नर जो आर एन रवि है उन्होंने क्या किया, जो टेक्स्ट प्रिपेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको रीड नहीं किया और वॉकआउट करके चले गए। और ये इन्होंने सेम पहले भी किया था, मैंने आपको स्टोरी बता दी, पिछले साल भी किया था, क्योंकि उस समय जो है द्रविड़ियन मॉडल गवर्नेंस से शुरू हो रहा था वो टेक्स्ट, तो गवर्नर ने जो है कहा कि मैं ये नहीं रीड करूँगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि तो उन्होंने कहा, लेटर क्लेम्ड, गवर्नर ने ये बोला कि आई एम नॉट एग्री विद दैट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, उन्होंने जो पेज तैयार किया था वो मैं जो है रीड नहीं करूंगा। आपको पता है, देखिए आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि सेशन शुरू होने से पहले जो पेज रीड किया जाता है ना वो गवर्नमेंट ही तैयार करती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, ऐसे सर्कमस्टांसिस में क्या होता है कि भैया कॉन्फ्लिक्ट उठ जाता है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज हैं कौन कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नर है, ये सारे, इनके बीच में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाता है, ठीक, ऐसा राइटर का कहना है। अब जो है, देयर हैव बीन अदर इंस्टेंसेज ऑफ गवर्नर रवि विदहोल्ड द बिलिंग ड्यूली पास्ड बाय द असेंबली एंड द इवन रेफरिंग दीज टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ राइटर बता रहे हैं, यहाँ कंसर्न रेज कर रहे हैं, जो एक और इशू गवर्नर के वजह से ही उठा था वो था बिल को ड्यू रखना। आपको पता है कुछ टाइम पहले भी ये बात उठी थी, जो गवर्नर है वो स्टेट्स के बिल्स को पास नहीं कर रहे हैं, वो सेम आंध्रा और तेलंगाना के स्टेट में भी उठा था, सेम तमिलनाडु ने भी उठाई थी, और ये बात सेम कर्नाटक ने भी उठाई थी ये बात, ठीक है, दो तीन स्टेट्स में उठी थी, जहां जहां मेनली स्पेशली तीन स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना, इसमें उठा था, क्योंकि यहाँ जो है अलग पॉलिटिकल पार्टी है, खैर वो अलग हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ पहले भी उठी थी, और सच एक्शन स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट दैट पोजीशन ऑफ द गवर्नर हैज लॉट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन यूटिलिटी इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी सेटअप्स। तो ऐसे राइटर ये बता रहे हैं कि ऐसे एक्शन जब होते हैं ना, तो ये चीज़ें ना प्रूव करती हैं कि गवर्नर जो है डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल यूटिलिटी को वो खो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए राइटर ये बता रहे हैं कि जैसे कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं, अब जैसे देयर हैज़ बिन ऐसे जो है, ऐसे सारे इंसिडेंट्स जो हैं अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, स्पेशली वहाँ जहाँ नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है, ठीक है। देखिए ये बात सच है, ये बात तो है, मानना पड़ेगा। देखिए क्यों, क्योंकि आपका जो गवर्नर है ना, एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स के काम करते हैं, ठीक है, और जब काउंसिल मिनिस्टर्स जो होते हैं ना स्टेट में, वो अगर सेंटर की जो पार्टी है, अगर वो और पार्टी, सेंटर की पार्टी और जब स्टेट की पार्टी सेम नहीं होती है ना, तो ये कन्फ्लिक्ट अक्सर देखा गया है। अब जैसे एग्जांपल के लिए सेंटर में कौन है, बीजेपी है, तमिलनाडु की स्टेट असेंबली में कौन है, डीएमके पार्टी है, वो उनकी लोकल पार्टी है, ठीक है, द्राविड़ मुन्नेत्र कलगम। तो वो क्या होता है कि वहाँ इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है सब चीज़ें अलग हैं, और जो गवर्नर है उसको एड एंड एडवाइज मिनिस्टर काउंसिल से काम करना है, लेकिन गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये डायरेक्ट किसके रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नर के, प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइज में काम करते हैं, सेंटर के जो मिनिस्टर मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना। तो घूम फिर के क्या होता है कि गवर्नर कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पपेट किसके बन जाते हैं, सेंटर गवर्नमेंट की, सेंटर की जो पार्टी होती है वहाँ। तो यहाँ ये चीज़ ना अक्सर देखा गया है। तो राइटर यही बता रहे हैं कि देखिए केरला हो, तेलंगाना हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, वेस्ट बंगाल हो, यहाँ ये फैक्ट दिखा रहे हैं, ये सीधा सीधा है, जिन जिन स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है जो नॉन बीजेपी है, वहां ये सारे सिचुएशंस, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शंस देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या करता है, इम्पैडेड करता है गवर्नेंस को, दैट मींस गवर्नेंस में देरी करता है ये, ठीक है, क्योंकि मेनी ऑफ दीज स्टेट्स अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट टू सीक डायरेक्शन फॉर गवर्नर्स टू पास बिल्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अब ऐसे प्रॉब्लम्स में ये सारी स्टेट्स क्या करती हैं, एक साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटिशन फाइल करती हैं और इनसे बोलती हैं कि भैया आप खुद बताइए कि ये बिल्स हमारे रोक रहे हैं, तो हम कैसे काम करेंगे, अपनी गवर्नेंस को आगे कैसे बढ़ाएं, ठीक है। ये केस भी उठा था सुप्रीम कोर्ट पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना ने क्या किया इसके लिए, 2022 की जब असेंबली सेशन शुरू होनी थी ना, तो उस समय जो है गवर्नर नहीं आए, तो इन्होंने गवर्नर के बिना ही अपना सेशन शुरू कर दिया कि भाड़ में जाओ तुम मत आओ, भैया हम अपने सरकार जो है हमारी सरकार से चलेगी, तुम अपने जो भी है सेंटर गवर्नमेंट के हिसाब से चलो। तो इन्होंने अपना सेशन शुरू कर दिया, और सेम जो है अब तमिलनाडु लेजिस्लेटिव में ये बात आ गई कि भैया जो गवर्नर है वो खुद वॉकआउट हो गए अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एड्रेस किया जा रहा है रिगार्डिंग गवर्नर्स, ठीक। तो इन्होंने बोला कि इस साल के जो सेशन में
ये बात मानी जा रही है। अब जब गवर्नर से ये बात पूछी ना, तो उन्होंने बोला इस साल का जो सेशन में जो इन्होंने टेक्स्ट दिया था जिसको मुझे एड्रेस करना था, उसमें कुछ मिसलीडिंग क्लेम्स और फैक्ट्स थे। ये किसने बोला? तमिलनाडु के गवर्नर जो आर एस रवि जी हैं, जो मिस्टर रवि गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि इसमें मिसलीडिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसलिए मैंने इसको रीड नहीं किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैवेस्टी का काम करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एक गलत रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला अब गवर्नर्स के ऑफिस से, ठीक है, अब ये बात काफ़ी मुद्दा उठ गया पिछले साल भी और इस साल भी। ठीक है, तो गवर्नर के ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ की गई कि भैया उन्होंने ये बात बोली कि जब मैंने उनके गवर्नमेंट को बोला कि आपको नेशनल एंथम्स के लिए उठना है, तो किसी ने भी कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैं वहाँ से वॉकआउट होके आ गया। ठीक है, तो इसके अलावा अब राइटर जो हैं इन दो मुद्दों पर अब बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि भैया जो गवर्नर है ना, इनके पास कोई भी ये अथॉरिटी नहीं है। इन्होंने जो बात बोली है ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं फैक्चुअल में इश्यूज रेज कंसर्न करा इन्होंने कि फैक्चुअल जो है गलत फैक्चुअल्स दिखा रहे हैं, गलत क्लेम्स दिखा रहे हैं। तो वहाँ तो राइटर ये बोल रहे हैं कि उनके स्टेट मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। भैया आपने जो ये बोला, गवर्नर ने बोला कि स्टेट जो है, सरकार जो है, वो गलत फैक्ट एंड फिगर्स दिखा रही है उस टेक्स्ट में, तो ऐसा क्या है? पहली बात तो इसका क्लैरिफिकेशन मिला ही नहीं है। ये किसने जवाब दिया? स्टेट मिनिस्टर ने दिया। किसका? क्वेश्चन करके, गवर्नर पे क्वेश्चन करके। ठीक है, दूसरी बात, तो जब ये बात पता है कि भैया तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है ना, उनके प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए हैं कि वो जो है हमेशा जब अपनी स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली स्टार्ट करती है, वो हमेशा अपने तमिल एंथम से शुरू करती है, जिसको हम तमिल ताई वाल्त बोलते हैं, उसी से शुरू करती है। उसके बाद वो कवर अप करती है, किसके बाद? नेशनल एंथम से वो कंक्लूड करके वो सेशन को शुरू करती है। तो राइटर यहीं बोल रही है, ये बात किसने बोली? स्टेट मिनिस्टर ने ये बात उठाई थी, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के। तो राइटर यही चीज़ बता रहे हैं कि इस तरीके से बात बोली गई। खैर, इसके अलावा जो है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस, तो स्टेट मिनिस्टर ने भी ये बोला, लॉ मिनिस्टर ने बोला कि इन चीज़ को समझे बिना ही जो गवर्नर है ना, इन्होंने बेफालतू में ये एजेंडा उठा लिया कि भैया स्टेट में जो है एंथम के लिए उठ नहीं रहे थे और इसलिए मैंने वॉकआउट कर दिया, ये क्लेम कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए, अब ये सीधी सीधी बात पता चल रही है कि बोथ ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, ये बिल्कुल ही अनसब्सटेंटेड है और ये कहीं भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली ऑक्यूपाइड नहीं करती है। राइटर भी ये बात बोल रहे हैं कि भैया जो बिहेव रवि जी ने दिखाया ना, ये कहीं भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बैठता है। अब ऐसा क्यों बोला है? आपको पता है आर्टिकल 163 के तहत हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 163 के तहत ना एक पावर है गवर्नर के पास, क्या? कि इट इज़ वेल नोन दैट द गवर्नर इज़ रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात सही साफ साफ लिखी गई है, जो गवर्नर है किसी भी स्टेट के, जो गवर्नर हैं वो आर्टिकल 163 के तहत जो हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उस स्टेट के, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही वो काम करें। That means वो अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और उनके पास डिस्क्रिशन पावर है ही नहीं इस तरीके से फंक्शंस को करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गवर्नर के पावर्स की बात करोगे ना भैया, जो आपके गवर्नर हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के जो गवर्नर्स हैं ना, उनके पास सेशन को स्टार्ट करने का पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किसके अंडर? आर्टिकल 176 के अंदर, कि भैया आप जो है सेशन को एड्रेस करोगे। ठीक है, पहली बात, और ये साफ साफ आर्टिकल 176 में लिखा हुआ है कि भैया जो गवर्नर है, हर साल एक तो सेशन का जो फर्स्ट सेशन ईयर होगा, और हर पांचवें साल बाद जब इलेक्शन होने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली शुरू होती है, कमेंसमेंट होता है, उसमें जो है एड्रेस कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ये आर्टिकल 176 देता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है, आर्टिकल 174, मैं आपको ये एडिशनल बता रही हूँ जो आपके बेसिक बुक्स में भी है, और आर्टिकल 174 ये देता है कि गवर्नर के पास ये राइट है कि वो टाइम टू टाइम जो है हमारी जो असेंबली होगी, स्टेट की असेंबली, उसको वो बुलाए, वो मीटिंग कराए, और ये डिसाइड कौन करेगा? ये गवर्नर करते हैं, लेकिन जो डेट और ये सब चीजें जो हैं, ये कौन करती है? मिनिस्टर्स करती हैं, उन्हीं के पास एक्चुअल में राइट्स हैं, ठीक है। और तो यहां एक और चीज, अगर हम बेसिक की बात करें कि भैया गवर्नर के पास पता है कोई भी ऐसा पावर नहीं है
कि इस तरीके से सेशन से बाहर करना, ये सेशन को ख़त्म करना, ठीक है। तो राइटर भी यही बात बोल रहे हैं कि इनके पास डिस्क्रिशन पावर यानी जो खुद के पास उनके खुद का है, स्वय विवेक से दिया हुआ एक पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद गवर्नर को देता है, ऐसा कोई पावर है ही नहीं। तो फिर इन्होंने इस किस बेसिस पे जो है ये अपने असेंबली से वापस चले गए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर इनके पास पावर है ना, तो एक तो आर्टिकल 176 के अंडर में ही इनके पास पावर है कि भैया ये सब जो असेंबली है उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो राइटर भी यही बोल रहे हैं, तो गवर्नर का जो एड्रेस है ना, ये जो है ये सर्टेन, अब देखिए अब गवर्नर के इस तरह के बिहेव्स है ना, इस तरीके से बिहेव जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक पर्दा उठाता है कि देखिए किस तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, मिसलीड करती हैं, मतलब ये अलग चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट को उठाता है, राइटर ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखना आर्टिकल 176, मतलब इन शॉर्ट आप एक बार बेसिक गवर्नर्स के पावर्स जो है उसको पढ़ना, ठीक है। एक तो पावर 176 का है जो एड्रेस करने का पावर है, और 163 में ये बात बोलती है कि गवर्नर को भैया कुछ भी काम हो वो आपको मिनिस्ट्री के एड एंड एडवाइस से ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ आप ऑफिस से चले गए, किससे पूछ के गए, तो यहाँ ये क्वेश्चन उठ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक। खैर अब आगे जो है, द रोल ऑफ गवर्नर है ना, वॉज ऑलवेज इन्विसाज्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द स्टेट एंड द यूनियन। देखिए राइटर यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए जो गवर्नर है ना, किसी भी स्टेट का गवर्नर हो, नॉट तमिलनाडु, किसी भी स्टेट का गवर्नर जो है वो हमेशा से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट हो चाहे वो यूनियन हो, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है, लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जो कंट्री है, जिसकी इतनी बड़ी जो लार्जेस्ट कंट्री है, वो ये कोशिश करेगी कि उनके जो पर्सन है जो स्टेट को चलाएंगे वो ना वो राजभवन, यानी राजभवन जो आपका पार्टनरशिप यानी जो सेंटर है उससे अटैच होने के बाद भी आप एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक स्टेटमैनशिप के साथ जो है, यानी बियॉन्ड पार्टनरशिप से आप जो है रूल करोगे। दैट मींस ये कहना ये चाह रहे हैं कि भैया देखिए प्रेसिडेंट, आपको पता है गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट किसके अंडर में, एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर काउंसिल, सेंट्रल मिनिस्टर काउंसिल के अंडर में काम करता है। तो घूम फिर के कहीं ना कहीं गवर्नर को कौन गवर्नर को कौन रूल करवाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही बात है, तो ये राइटर ये बता रहे हैं कि आप बियॉन्ड पार्टनरशिप ऑक्यूपाइंग द राजभवन, यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बियॉन्ड जाके, यानी उनके रिलेशन से बियॉन्ड जाके आपको जो है आपको यहाँ पे रूल करना बनता है, या फिर आपका अपना काम करना बनता है, ठीक। लेकिन जो कि चीज़ नहीं हो रही है, तो अनफॉर्चुनेटली रीसेंट जो इवेंट्स है ना वो हमें ये सोचने को मजबूर कर रही हैं कि भैया जो यूनियन एंड स्टेट रिलेशन है उसमें फेडरल जो है फैब्रिक ऑफ द कंट्री जो है उसमें कहीं ना कहीं डैमेज देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जो है नॉन स्टेट पार्टी, यानी जो सेंटर में पार्टी है और स्टेट में पार्टी अलग अलग है, तो वहाँ गवर्नर का बिहेव जो है अगेंस्ट टुवर्ड द स्टेट गवर्नमेंट में देखा जा रहा है। ये एक दो स्टेट में, कम से कम आप सोचिए 5-6 स्टेट्स में देखा गया है। तो ये बात सच है, एक तमिलनाडु बोले तो चलो बात अलग है कि कहीं ना कहीं अपने रिजिडिटी में है भाई, तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है, केरला में भी मिल रहा है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, पंजाब, इन सारे स्टेट्स में मिल रहा है। तो ये तो फैक्ट क्लियर हो रहा है कि जो गवर्नर है वो कहीं ना कहीं जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर काम करते हैं, ठीक। खैर इसके अलावा राइटर ये बता रहे हैं, सच इंसिडेंट्स हैव रिव्यूड द नेसेसिटी टू रिव्यू द रोल एंड पोजिशन ऑफ द गवर्नर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स है ना, ये क्वेश्चन करता है या फिर ये रिव्यू करने के लिए बोलता है कि भैया गवर्नर से पूछो एक बार, ये गवर्नर से इसका पोजिशन देखो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर के अंडर में ही काम करते हैं ना। खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी है ना अपना एक केस, देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें तो इन्होंने 2002 का 22 का केस बताया, एक 1966 में भी एक केस आया था, ये बहुत पुराना केस था, किसके अंडर में, अब्दुल गफूर हबीबुल्ला केस था 1966 में। उस समय ना कैलकटा के जो कोर्ट था ना उसने गवर्नर को ये बात बोली थी कि भैया गवर्नर जो है ना कभी भी आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के अंदर में किसी भी पावर को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में किसी भी पावर को आप डिक्लाइन एड्रेस करने के लिए उसे आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे स्टेट गवर्नमेंट अगर कह रहा है किसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए तो आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ लेकिन गवर्नर के पास ये राइट ज़रूर है कि गवर्नर को अगर ऐसा लगता है कि जो चीज़ वो पढ़ने जा रहा है उसमें कुछ चीज़ें गलत हैं या सही नहीं है तो वो इसको हटा सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ से निकलने का जो पावर है वो तो है नहीं। और उसी केस में 1966 के केस में हाईकोर्ट ने ये बात बोली थी कि भैया जो आप गवर्नर हैं, अगर आप स्टेटमेंट यानी अपनी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव से जब आप जाते हो, निकल जाते हो, तो उसके ऊपर जो है आपका जो है इररेगुलरिटी का जो है चार्ज लगता है, ना कि इलीगैलिटी। क्योंकि आपको पता है ये सेम केस पहले भी उठा था ना, तो ये बात आ गई थी कि भैया गवर्नर पे एक्शन होना चाहिए। तो तब भी हाईकोर्ट ने ये क्लियर करा था कि देखिए ये
इररेगुलरिटी के अंडर में आता है आर्टिकल 176, यानी गवर्नर अपना जो है पद काम को छोड़ के चले गए आधे अधूरे में, ना कि इरेगुलरिटी में आ जाता है, क्योंकि इससे इलीगैलिटी में अगर आ गया ना, इलीगैलिटी यानी आप कानून के विरुद्ध जाके काम कर रहे हो, तो पता है यहाँ पे है ना बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। इवन गवर्नर को रिज़ाइन तक भी बात आ जाएगी, या फिर गवर्नमेंट के रिज़ाइन तक भी बात आ सकती है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने बात बोला था कि नहीं, इररेगुलरिटी के अंदर माना जाएगा इस तरीके से सेशन को, अगर आप वॉकआउट करके जाते हो। ये तो 1966 का केस था। खैर, इसके अलावा 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट के AG पेरिवेलन वर्सेज स्टेट में आया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली थी कि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ना गवर्नर को जो हाथ है वो थोड़ा छोटा ही रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना डिस्क्रेशन पावर नहीं है। जिस तरह से अगर उन्होंने अपने बिल्स को पेंडिंग में रखा है ना, कि हम जो है प्रेसिडेंट से पूछेंगे उसके बाद, क्योंकि गवर्नर के पास ये पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करता है फाइनेंस बिल के अलावा, ठीक है, फाइनेंस बिल या मनी बिल के अलावा वो किसी भी बिल्स को जो है रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा नहीं है कि उस बिल को वो कितने टाइम तक रोकेगा, है ना। कुछ बिल्स में होता है ना आपको 14 डेज में रिटर्न करना है, जैसे मनी बिल को राज्यसभा जो है या स्टेट काउंसिल 14 डेज में रिटर्न करेगा, तो ऐसा कुछ जो है इनके सुप्रीम कोर्ट के पास, सॉरी जो गवर्नर है इनके पास नहीं है, ना प्रेसिडेंट के पास है। तो यही चीज़ जो है ना बार कहीं ना कहीं लूप होल बन जाती है गवर्नर को बिल बार बार रोकने का और अनलिमिटेड टाइम तक रोकने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आप ये जो पावर है ना इसको कट शॉर्ट करो, आप अपने अपना हाथ जो है शॉर्ट हैंडेड एक्सप्रेशन के साथ काम कीजिए, ठीक है। तो इस समय कब बोला था ये सुप्रीम कोर्ट ने, पेरिवालन वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर बोला था। तो यहाँ ये जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन पता है किस पे उठ जाता है, गवर्नरशिप पे उठ जाती है, इसके खुद इंस्टीट्यूशनल काम पे उठ जाता है कि ये किस बेसिस पे फिर काम कर रहा है। वी हैव परसिस्ट द नॉमिनल हेड ओनली कस्टमर। अब देखिए राइटर यहां ये कह रहे हैं, देखिए अब ना ऐसा हो जा रहा है कि अब हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारे पास जो ये हेड है, यानी जो हमारे पास प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, ये एक नॉमिनल हेड ही होते हैं। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो हेड होते हैं, एक नॉमिनल एक परमानेंट होते हैं, ठीक है। नॉमिनल जिसमें आपके गवर्नर और प्रेसिडेंट आते हैं, जिनका काम बहुत ही ऑर्डिनरी होता है, ठीक है, टेम्प्ररी होता है। दूसरा जो है आपका परमानेंट होता है, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, है ना। तो ये राइटर ये बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ कस्टमरी रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से रूल किया या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था, तो उसी चीज को हमने इंडिया ने बनाया है सेम, वरना इनका जो फंक्शन है, जबकि गवर्नमेंट जो है उनके फंक्शन में वो रियली जो है बहुत अच्छा कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, एट द एडवाइज काउंसिल मिनिस्टर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो अब राइटर कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि देखिए अब वो टाइम आ गया है एक वेकअप कॉल के लिए, कि फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरह की चीजों को हटा देने का, मतलब ये बात सोचने वाली बात, अब टाइम आ गया है कि पार्लियामेंट में इन जैसे चीजें जो कॉलोनियल टाइम से जो हम फॉलो कर रहे हैं, नॉमिनल की प्रेसिडेंट हो गवर्नर हो, इन जैसे पावर्स को हटाने की बात तक आ गई है कि हटा देनी चाहिए, क्योंकि कॉलोनियल है, ठीक है, उसको सिर्फ ना इसके पास इतना पावर है। देखिए अगर आप प्रॉपर पावर देखोगे गवर्नर और प्रेसिडेंट में, गवर्नर और प्रेसिडेंट के अंदर इनके पास इतना पावर नहीं होता, हर एक चीज़ जो है ये कुछ डिस्क्रिशन, जैसे आपकी सज़ा, जैसे फांसी की सज़ा हो जाते हैं किसी को, उसको माफ़ करने की सज़ा जो है किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, या उससे कम देने की सज़ा भी गवर्नर के पास है, लेकिन इसके अलावा जो है डिस्क्रिशन पावर इनके पास इतना नहीं होता जितना आपके मिनिस्ट्री काउंसिल्स के पास होते हैं। तो राइटर वही कह रहे हैं कि अब ये एक ऐसा टाइम आ गया कि इन्हें हटा भी देना चाहिए, ठीक है। तो खैर अब ये पूरा आर्टिकल था, मुद्दा था, आप एक बेसिक के लिए आप पूरा का पूरा जो है हमारा गवर्नर चैप्टर जो है उसको पूरा रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये इशू इस बार कम से कम साल में 2-3 बार उठ चुका है ना। तो थैंक यू, मतलब सॉरी, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ आर्टिकल जो है एक्सप्लेनेशन में एक दो आर्टिकल है, बेसिक आर्टिकल मैं यहाँ बता देती हूँ मुद्दा क्या है। देखिए वहाँ अभी वेस्ट बंगाल में ना एक पार्टी है TMC, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस आपको पता होगा, और BJP सेंटर में है। तो अभी ना BJP की तरफ से ये माना जा रहा है कि यहाँ पे इन मतलब इस सरकार ने जो है ED को भेज दिया है वहाँ पे। ED को क्यों भेजा, वहाँ पे एक एरिया है North 24 परगना, ठीक है, North 24 डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक लैंड है, आइलैंड है, संदेश खाली ये आइलैंड है, ठीक है। ये जो है आपका कहाँ पड़ता है, डेल्टा के पास पड़ता है, जो आपका वेस्ट बंगाल का डेल्टा है, ठीक। तो वहाँ पे ये बात मानी गई है कि वहाँ का जो लीडर था यानी MLA था वहाँ का, लोकल
कौन था, शेख शाहजन, शेख शाहजन पे एक तो ईडी ने किया है कि आप जो है वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपने करप्शन किया, इस चार्ज में जो है ईडी ने उस पर रेड करी है। इसके साथ साथ जो है उनके ऊपर जो है सेक्सुअल अब्यूज़, जो मिस्टर शाहजान है उनके साथ साथ दो और लोग हैं, शहीबा प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार करके दो लोग हैं जिन पर जो है सेक्सुअल अब्यूज़ का हरासमेंट का केस फाइल हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकली मुद्दा है। खैर, इसके अलावा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो है सुंदरबन आइलैंड। देखिए, सुंदरबन आइलैंड आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये सदर्न पोर्शन में है जिसमें बंगाल, आपका बांग्लादेश और हमारा जो वेस्ट बंगाल है ये कंबाइन है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, सबसे खूबी है बहुत बड़ी, जो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र सिस्टम फॉल होती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। और यहाँ पूरा एरिया जो है टाइडल वाटरवेयर्स, रिवर कैनाल्स, क्रीक, ये सारी चीज़ें जो है मैंग्रोव पैचेस मिलती हैं। आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके बारे में, इस जो ये कैनाल है आपका, ये जो सॉरी ये डेल्टा है, इसमें ना आपको पता है ये जो आपका सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन जो है इसको नेशनल पार्क भी घोषित किया गया है, ये दो तीन चीज़ों के अंदर है। आप प्लीज़ इसको पर्टिकुलर निकाल के पढ़ना, क्योंकि यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज में इसको लिस्टेड किया है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी है, ये रामसर कन्वेंशन 2019 में रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको लिस्टेड कर लिया सुंदरवन वेटलैंड्स को, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो ये सुंदरवन यहाँ नेशनल पार्क है, इस संदेश खाली के अंडर में पड़ता है वो, वहां पे ना पता क्या, आपका गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, एस्चुरियन क्रोकोडाइल हो गया, ऑलिव रेडली टर्टल्स हो गया, वाइट बंगाल टाइगर्स हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैबिटेट के हिसाब से, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड फंड ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप भी किया है इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, इस एरिया को प्रिजर्व रखने के लिए एज अ एनवायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात, आप मैंग्रोव्स का बार बार पढ़ लेना, एक बार इन को फैक्ट्स देख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट के बेसिस पे ये सीधा सीधा आ सकता है। अब यहाँ डेटा एक है कि भैया 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 49% हिंदू हैं, 30% मुस्लिम्स हैं और 15% जो हैं क्रिश्चियंस हैं, ये सांदेशी ब्लॉक्स में, ठीक है, जो नॉर्थ ब्लॉक, जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 24 परगना के अंडर में आता है ये सांदेशी ब्लॉक, आई ब्लॉक। यहाँ पे 30% जो है नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसमें एससी और एसटी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात, ये जो एरिया है ना सांदेशी ब्लॉक वाला, ये तहबाग मूवमेंट जो 1946-47 में हुआ था ना तहबाग, जिसमें एग्रीकल्चर पेशेंट ने जो है ज़मींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि ये लोग जो है हमें ज़्यादा हिस्सा नहीं देते हैं, उस चीज़ पे है, ठीक है। ये पूरा पॉलिटिकल ही है कि यहाँ पे कैसे तृणमूल सीपीआई, पहले सीपीआई थी यहाँ पे, सीपीआई जो यहाँ पे सीपीआई जो है आपके मार्क्सिस्ट जो है फॉलो करती पार्टी है, 2010 तक वो थी, उसके बाद जो है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आ गई। तो यहाँ पे इन दोनों का जो है बहुत ज़्यादा पार्टीशन का चलता है, इन लोगों ने मतलब ये क्लेम लगाया गया था जब सीपीआई एम पार्टी थी ना, तो इन लोगों ने क्या करा, जो बांग्लादेश है ना वहाँ से लोगों को माइग्रेट करवाया, जो माइग्रेट आते थे उन्हें पट्टा भी दिया, लैंड का पट्टा दिया, ताकि क्योंकि वो सारे लोग जो है इस्लामिक थे और लोगों ने सपोर्ट किया इस पार्टी को, ठीक है। क्योंकि पट्टा मिलते ही यानी आपको पता चल जाता है कि वो उस एरिया, उस लैंड का या उस कंट्री का जो है सिटीज़न, तभी वो पट्टा मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और वोट बैंक का भी काम किया, बहुत पॉलिटिकल है, खैर ये इशू हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात हमारे लिए जो आ जाती है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से सांदेशी आइलैंड इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आप मैपिंग, आसपास के रिवर्स, आसपास के वेटलैंड, ये सारी चीजें आप एक बार पूरा रिवाइज कर लेना। खैर, हमें यहां पे जो है फाली जी का एक आर्टिकल ये देखना था कि किस किस केस में इन्होंने अपना रोल प्ले किया है। देखिए, मैं ना यहाँ पे पूरे केसेस का पूरा ब्रीफ तो मैं पूरा डीप तो नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि एक एक केस जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा जजमेंट का काम किया है इसने तो, लेकिन हम इसमें बस ये देखेंगे कि कैसे कैसे अपीयर हुए थे ये, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए पहला जो केस था ना, आपको पता है कि हमेशा हमारे है ना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक इशू उठता है, वो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, यानी सीजीआई के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उन्हें कौन नॉमिनेट करेगा। आपको पता है पहले सीजीआई जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, वो डिसाइड करते थे कि भैया आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन होंगे, ठीक है। तो उस पे केस उठा था, तो इसमें बहुत सारे बेंचेस बैठे थे, फर्स्ट बेंच जज बैठा था, सेकंड जज बेंच आया, फिर थर्ड आया, फिर उसके बाद आपका जो है एनजेसी कमीशन भी बैठी थी, बहुत सारे केसेस आए। तो उसमें सबसे पहला जो केस था सेकंड जज बेंच केस में 1981 में 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जज बैठी थी, जिसमें ये बात उठाई गई थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो जो है अंडर आर्टिकल 124 के तहत जब वो ये डिसाइड करते हैं कि जज की लिस्ट क्या होगी, उनमें कौन होगे, उससे पहले आपको एक बार प्रेसिडेंट से कंसल्ट कर लेना है। ये जजमेंट आया था 1981 में, क्योंकि पहले सीजीआई खुद ही अपने आप से कर रहा था कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कौन कौन होंगे, उनके प्रायोरिटी के साथ
हिसाब से वो लिख देते थे। इससे क्या होता था ना, मतलब ऐसा लगता था कि जो जो गवर्नमेंट है कई बार, मतलब इन शॉर्ट ये था कि कई बार क्या होता है कि जुडिशरी में ऐसे जजेस आ जाते थे जो गवर्नमेंट के, प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले जाते थे। तो इसलिए आर्टिकल 124 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन थी कि भैया कि जो है आर्टिकल, आप एक बार सीजीआई जो है इन्हें कंसल्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है, मतलब सॉरी गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, किसको, प्रेजिडेंट को। अब ये बात आ गई, अब इसी चीज़ को चैलेंज किया 1987 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से ऑन रिकॉर्ड जो है, किसमें, सेकोरा यानी द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की तरफ से इस चीज़ को चैलेंज किया गया था कि भैया आपने जो सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि ये कंसल्ट करे, ये कंसल्ट का मतलब क्या है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, मिस्टर नरीमन रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने क्वेश्चन किया कि भैया आप इस चीज़ को क्लियर करो कि जो कंसल्टेशन है ना, कहीं ऐसा ना हो कि कंसल्टेशन के बहाने आप जो प्रेजिडेंट को पावर दे रहे हो 124 के तहत कि सीजीआई कंसल्ट करे, कहीं प्रेजिडेंट जो बोल दे फिर ये बोले कि प्रेजिडेंट जी ने जो भी बोला वो जुडिशरी को मानना ही पड़ेगा, दैट मीन्स ये बाइंडिंग ना कर दे, ठीक है, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हार्म करेगा। तो उस चीज़ को जब ये क्लियरेंस किया गया तो 1993 में जाके फाइनली ना 9 जज की बेंच बैठी थी और उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को ये माना भी, ये बात सही है कि भैया ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन की बात है ना, ये कंसल्टेशन मतलब अगर सीजीआई चाहे तो वो उस कंसल्टेशन प्रेजिडेंट के कंसल्टेशन को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, ये बात क्लियर कर दिया था। दैट मीन्स यहाँ ये है कि जो मिस्टर नरीमन है इन्होंने ही सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट उठाया था, जिसके वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट होने से बच गया, मतलब दैट मीन्स ये चीज़ जो है केस में सॉर्ट हुई है, किसका रिप्रेजेंट है, नरीमन जी का, ठीक है। और उसी का ही केस जो है एक 1998 में वापस उठाया था, थर्ड जज केस का था, इसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर था, ठीक है। इसमें क्या था कि प्रेजिडेंट के आर नारायण ने ये बात उठाई सुप्रीम कोर्ट से, ये क्लैरिफाई किया कि भैया आप मुझे ये क्लैरिफाई करो अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो आप अपॉइंट करते हो जजेस को वो किस बेसिस पे करते हो। ये किसने क्वेश्चन उठाया था, प्रेसिडेंट के नारायण ने उठाया था, ठीक है। तो उस समय प्रेसिडेंट यानी जो कोर्ट है उसकी तरफ से, कोर्ट को हेल्प किसने करी थी, नरीमन ने सबमिशन किया था कोर्ट की तरफ से इस केस में और ये बात बोला कि जो भैया सीजीआई है ना, इन्हें सबसे पहली बात जो भी, अब ये बात यहाँ ये सबमिशन हुआ फाइनली इस केस के अंदर कि जो सीजीआई है ना वो जब भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में जो लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, ये जजेस होंगे आगे वाले टाइम पे, तब वो उस लिस्ट से पहले उस समय ऑन गोइंग जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे ना उनके साथ कंसल्ट करके ही वो रिकमेंडेशन को तैयार करेंगे, वो अपॉइंटमेंट को तैयार करेंगे, ठीक है। तो उस समय जो जजेस पहले था वो थ्री जजेस ही होते थे, यानी सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और उनके साथ थ्री जजेस होते थे, उस चीज़ को साइज़ को बढ़ा के 3 से 5 कर दिया था, यानी 5 जजेस होंगे, अदर जजेस और सीजीआई होंगे, ये 5 और 6 लोग मिलकर ही जो है वो लिस्ट तैयार करेंगे कि अब आने वाले टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन होगा। ये केस किसके थ्रू वापस आया, ये 93rd जज केस में आया था, ठीक है, उस समय भी नरीमन जी ने ही रिप्रेजेंट किया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब तीसरा केस वापस आया था नेशनल जुडिशरी ऑफ एक्ट के तहत, यानी जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी केस था। आपको बताया कि जो सरकार थी, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी लंबे टाइम तक चला था, 1957 से चला था, आपने ये बेसिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उसको कौन अपॉइंट करेगा, सरकार रिकमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, और सीजीआई कर रहा है तो किस बेसिस पे कर रहा है, सीजीआई प्रेसिडेंट से कंसल्ट करे या नहीं करे, कंसल्ट कहीं बाइंडिंग तो नहीं है, फिर सीजीआई जो है अदर जजेस से पूछता नहीं है, वो खुद अपने आप से ही मनमर्जी करता है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे। उसी में से एक था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके अंदर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने ना सीधा एक कमीशन अपॉइंट कर दिया और ये बोल दिया कि ये कमीशन के अंडर में जो है काम होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का। और आगे फिर क्या हुआ, इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इस एनजेएसी को है ना सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड अवॉइड कर दिया। किस बेसिस पे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में है ना नरीमन जी ने इसको चैलेंज किया था, ठीक है, नरीमन जी ने ही रिप्रेजेंट किया और उसको बोला कि भैया ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ना जो आप एक्ट 2014 लेके आए हो ये पार्लियामेंट के द्वारा, ये बिल्कुल जो है ये कैंसिल, ये है नल एंड अवॉइड है। और जो एनजीएसी है ना सरकार ने किसके अंदर ला रही थी, आर्टिकल 124A के तहत, ए यानी अमेंडमेंट करके ला रही थी, ठीक है, और जिसके अंदर इन्होंने बोला था इस कमेटी के अंदर 6 लोग होंगे जो जुडिशियल को अपॉइंट करेंगे और उस 6 के अंदर एक तो सीजीआई होंगे, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होंगे और एक यूनियन लॉ मिनिस्टर और जस्टिस होंगे,
ठीक है। और इसके अलावा दो एमिनेंट पर्सन होंगे जो कि नॉमिनेट किया जाएगा सीजीआई के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और लीडर ऑफ द अपोजिशन के द्वारा बनाई हुई एक कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो जिसको नरीमन ने ये आर्ग्यू किया, जो एनजीएसी है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है ना, ये सीधी सीधी जुडिशियल की जो इंडिपेंडेंस है ना उसको ख़त्म करती है और गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव को पावर ज़्यादा देती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। तो इस बेसिस पे जो है एनजीएसी को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड अवॉइड कर दिया, दैट मीन्स इस जैसे एक्ट को ही ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और ये किसके रिप्रेजेंट से हुआ, नरीमन जी के रिप्रेजेंट से। तो ये सारे केसेस हैं। इसी तरीके से एक गोलकरंद केस आया था 1967 में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। आपने ये बहुत पढ़ा होगा ये केसेस, क्योंकि यहीं से जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर की जान उभर के आती है जो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि दो, अब क्या हुआ देखिए, ये केस कहाँ उठा था बेसिक सा मैं बता देती हूँ। जब इंडिपेंडेंट हुए थे ना, उसके बाद डेवलपमेंट करना था सरकार को, तो सरकार ने उस समय, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भैया अब ये देखा कि भैया हमने फंडामेंटल राइट को है ना उसके अंदर एक एक्ट डाल रखा था राइट टू प्रॉपर्टी का, उसको हमने फंडामेंटल राइट में डाल दिया, और अब हमें देश का डेवलपमेंट करना है, देश के डेवलपमेंट में तो हमें रोड ब्रिज ये सब बनाना है, और रोड ब्रिज के लिए हमें ज़मीन चाहिए, और ज़मीन को हमने फंडामेंटल राइट में डाल दिया। अब फंडामेंटल राइट्स में अगर आपने हाथ लगाया तो भैया आप नल एंड वॉइड कर दिए जाओगे, क्योंकि वो सिटीज़न का राइट है और सरकार उस पे काम नहीं कर सकती है ना। ये एक मुद्दा उठा था। तो फिर तब सरकार ने क्या करा, उस समय अमेंडमेंट करके जो राइट टू फंडामेंटल आर्टिकल है, राइट टू फंडामेंटल में, राइट टू फंडामेंटल के अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल था आपका 19 के अंडर में एफ क्लॉज में था, ई एफ क्लॉज के अंदर में था, उसको हटा दिया और उसको उन्होंने लीगल राइट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में 300A के अंडर में डाल दिया था, ठीक है। ये अमेंडमेंट करा ताकि सरकार जो है जब भी चाहे वो उन राइट्स के अंडर, यानी लैंड को अगर लीज करना चाहे, सीज करना चाहे, उसे चाहिए डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, ताकि वो ले सके। ये गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था। तो उसी अमेंडमेंट को लेकर, 17वां अमेंडमेंट था उस समय राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, जो है दो ब्रदर्स ने चैलेंज किया था स्टेट ऑफ वर्सेज गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के अंडर में। तब इन्होंने ये बोला था कि भैया जो सरकार ने आर्टिकल 31 अमेंडमेंट किया है, अब 31A के अंडर में क्या था, क्योंकि 31A के अंडर में ये अमेंडमेंट किया था कि जो सरकार है यानी जो गवर्नमेंट है ना, वो इस तरह जो भी लैंड अगर वो सीज करती है तो वो कर सकती है, लेकिन किस बेसिस पे, वो पब्लिक डेवलपमेंट के बेसिस पे जो है सरकार ले सकती है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको, कोई भूमि है, आप समझ लो खेती है आपकी, ठीक है। उस खेती से अचानक से पता चला आपके गांव के खेती से जो है एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे जाना है, ठीक है, क्योंकि आसपास के एरिया में 5-7 किलोमीटर के अंडर में एक आईटी हब बन रहा है या फैक्ट्री बन रही है, कुछ भी बन रहा हो, वहाँ से हाईवे निकालना है। तो अब भैया वहाँ के सारे किसानों से ज़मीन लेनी पड़ेगी, और जबकि ज़मीन तो आपके फंडामेंटल राइट्स था, और आपने लीगल राइट्स में भी डाल दिया, तब भी केस उठता जब आर्टिकल अमेंडमेंट कर दिया था। तो अब वापस जो है 31A जो फंडामेंटल राइट 31 था उसके अंदर भी अमेंडमेंट करके ये क्लॉज डाला गया कि सरकार चाहे जो ज़मीन है लीगल राइट है उस पर भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो पब्लिक डेवलपमेंट के बेसिस पे होना चाहिए, कि आपको ये मेंशन करना है कि भैया ये किस यूज के लिए है, सरकार को ये मेंशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, 31A के अंडर ये अमेंडमेंट लाया गया कि भैया जब आप जमीन लेते हो ना किसानों से, तो आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा, दैट मीन्स उनको आपका जो है एड्रेस, यानी जो आप लैंड ले रहे हो उसका सेटलमेंट भी करना होगा। ये आर्टिकल 31A के तहत इसको चेंज किया गया था। तो इसी चीज को जो है इन्होंने चैलेंज किया था कि ये फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन है, ठीक, जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब में। तो क्योंकि अब देखिए नरीमन ने अब इस बिहाफ पे क्या बोला कि जो पटिशनर्स थे ना उनके सपोर्ट में नरीमन जी ने बात उठाई। इन्होंने कहा कि भैया ये बात तो सही है कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया है ना, पहले तो आप ये बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कहाँ है आपके पास, क्योंकि इस समय तक पार्लियामेंट में, अभी आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर ही नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के पास ये पावर ही नहीं था कि वो फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ों पर अमेंडमेंट कर सके। तो इसी चीज़ को नरीमन जी ने हाईलाइट किया कि कहीं लिखा ही नहीं है कि आप आर्टिकल 368 के तहत जो है फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हो। तो यहां ये जो है ये केस उठा बेंच के पास। तो ये जो है फिर उन्होंने कहा कि आपने जो 13(2) के तहत पार्लियामेंट ने जो है लॉ उठाया ये अलाउ नहीं है, आपने सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स का जो है वॉयलेशन किया है। तो इसी केस को ये आगे बढ़ता जाता है, फिर आपको ये पता होगा, मैं आगे का बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, कि आपको बताओगे इसी के बाद जो है वापस ये उठी। फिर एक और केस आता है, गोलकनाथ का ही केस आता है इसके बाद, कि ये बोला गया था कि ठीक है पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन लिमिट में करेगी। फिर बात आती है कि कितने लिमिट में। फिर तब बात उठी थी बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम केशवानंद भारतीय केस 1973 में पढ़ते हैं,
हैं कि भैया पार्लियामेंट के पास पावर तो है अमेंडमेंट करने का, लेकिन वो ऐसे अमेंडमेंट करे कि जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वॉयलेट ना हो जाए। फिर केस आता है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि भैया बताते कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन तो नहीं है, लेकिन टाइम टाइम पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। खैर ये बहुत लंबा केस है, फिर आप ये पढ़ते जाना, बेसिक स्ट्रक्चर के चैप्टर के अंडर में है, ठीक है। ये एक ब्रीफ है, तो मतलब नरीमन जी ने इस पर भी काम किया है। इसके अलावा एक केस था कैरबिज केस, इसमें ये था कि देखिए आपको पता होगा 1984 में भोपाल में जो है गैस त्रासदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा जो गैस है यानी एक जो इंडस्ट्री थी ये अमेरिका बेस्ड इंडस्ट्री थी, ठीक है, यूनियन कैरबिज पेस्टिसाइड की एक प्लांट इंडस्ट्री थी, उसमें जो है गैस लीकेज की वजह से जो है फायरिंग हो गई थी, काफ़ी लोगों को ये नुकसान में गया था, बहुत हज़ारों में लोग मारे थे, इस पर डॉक्यूमेंट्री भी है, आप देखना ज़रूर, ठीक है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने केस कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट पर केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइन भरवाया इनसे, इस कंपनी से जो आपका यूनियन कैरबिज कंपनी है। तो उस समय रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, जो है नरीमन जी थे अपीयर, ठीक है, और इन्होंने जो है फोर्स 26 मिलियन जो है कंपनसेशन था उसको अगले साल कंपनी के सेटलमेंट में सेंटर ने क्या करवाया, एग्री कि 470 मिलियन जो है आपको फाइन भरना पड़ेगा, और इस कंपनी ने भरवाया। तो उस समय भी नरीमन जी केस में थे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है टीएमए पाई फाउंडेशन केस। देखिए टीएमए पाई फाउंडेशन केस में ये था कि भैया यहाँ ये केस उठ गया था, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक के अंदर ये बात उठी गई थी। वहाँ पर ना जो आपके माइनॉरिटी हैं, चाहे वो लैंग्वेजेस हैं ना, वहाँ पर कर्नाटक में ना अपने लैंग्वेज के बेसिस पे वो इंस्टीट्यूशन बना रहे थे पढ़ने का, कि वहाँ पे कन्नड़ वगैरह कंपलसरी सिखाया जाए। तो वहाँ केस उठ गया कि भैया जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लिंग्विस्टिक लोग हैं क्या वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। तभी अमेंडमेंट में आर्टिकल हुआ था, आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ था 31 क्लॉज के तहत कि भैया ये आर्टिकल ये एस्टैब्लिश किया गया जो माइनॉरिटीज़ है ना वो अपने इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज़ कौन से, लिंग्विस्टिक और रिलीजन के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। अब ये बात आ गई सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी हैं वो किस बेसिस पे करोगे, है ना, कि क्योंकि भैया कुछ स्टेट्स में तो जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक भले तमिलनाडु पूरे इंडिया के अंदर कन्नड़ तो नहीं बोला जाता लेकिन कर्नाटक के तो अंदर बोला जाता है ना, और कन्नड़ मेजॉरिटी है तो फिर वो लिंग्विस्टिक में माइनॉरिटी कैसे हुए। तो ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में उठी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी ना स्टेट टू स्टेट वैरी करती है ये, ठीक है। कुछ लोग जो है आप जैसे तमिलनाडु, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए हिंदी है, हिंदी जो है नॉर्दर्न स्टेट्स में तो माइनॉरिटी में नहीं है, हिंदी तो सारे स्टेट्स में बोला जाता है, लेकिन आप साउथ इंडिया के अंदर चले जाओगे तो हिंदी माइनॉरिटी में आ जाएगी क्योंकि वहां बोला ही नहीं जाता उस स्टेट के पर्सपेक्टिव से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये स्टेट टू स्टेट पर डिपेंड करेगा कि वहां लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कौन है और इसका फ्रेमवर्क कौन तैयार करेगा, स्टेट की गवर्नमेंट तैयार करेगी, ठीक है, और उस बेस पे माइनॉरिटी जो है वहां अपना जो एजुकेशनल है वो रन कर सकते हैं। लेकिन यहां इन्होंने गवर्नमेंट को भी ये बात बोली कि भैया आप ध्यान रखिएगा रेगुलेशन बनाते हुए माइनॉरिटी की, कि कहीं आप माइनॉरिटी की जो क्लियर डेफिनेशन है कहीं उसी के साथ आप खेल छेड़छाड़ ना कर दो, ठीक है। ये बात किसने बोली, सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में भी जो है नरीमन जी ने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद एक केस आता है आपका अरुणाचल पॉलिटिकल क्रेज। आपको पता है 2016 में पॉलिटिकल में काफ़ी टसल चल रही थी पॉलिटिकल्स के अंदर। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस के 31 एमएलए जो थे, है ना, कांग्रेस के, उन्होंने रिबेलियन कर दिया था और उस समय क्या हुआ, उस गुस्से से ना गवर्नर ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट के ऊपर फ्लो टेस्ट कंडक्ट करा दिया। जबकि आपको पता है कि स्टेट के अंडर हो या सेंटर में फ्लोर टेस्ट तभी होता है जब आपके चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, कि हाँ भैया फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो उस समय जो है गवर्नर एडवाइज एड एंड एडवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेसिस पे करता है ये। इन यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नर ज्योति प्रसाद राजखोवा थी, राजखोवा, इन्होंने अपने ही मनमर्जी से जो है फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवा दिया। तो यहाँ पे ये केस उठ गया था, वहाँ पे नरीमन जी ने रिप्रेजेंट किया था नंबन रेबिया वर्सेस बाबंग फ्लेक्सिबल फ्लेलिक्स डिप्टी स्पीकर ऑन बिहाफ ऑफ द हाउस ऑफ विप बमांग। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि गवर्नर को ये किसने पावर दे दिया, ये डिस्क्रिशन पावर ये किसने दे दिया कि आप अपने मन मर्जी से बिना काउंसिल मिनिस्टर्स के, चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के बिना आप फ्लो टेस्ट कैसे कंडक्ट करा सकती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है ये तो, ठीक है। तो यहाँ ये बात उठी थी, तो उस समय भी नरीमन जी से। उसके अलावा जयललिता करप्शन, जो आपको बताऊंगा तमिलनाडु की फॉर्मर सीएम थी जयललिता, उनके ऊपर ना बेंगलुरु के हाई कोर्ट ने क्या कर दिया कि फाइन लगा दिया था, 100 करोड़ का फाइन था और ये चार्ज लगा दिया कि आपने करप्शन किया है तो आपको 4 साल की जेल होगी और 100 करोड़ आपको फाइन इम्पोज करना पड़ेगा। तो उस तरफ जयललिता की तरफ से जो है मिस्टर नरीमन जी ने ही प्रेजेंट हुए थे और उस समय ये ऑनगोइंग सीएम भी थी तमिलनाडु की, ठीक है। तो नरीमन जी ने जो है इनको बेल करवाया और इनके जो फाइन्स और जो सेंटेंसेज है उसको
थोड़ा कम करवाया था, ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिंग करवाया, मतलब ख़त्म करवाया इनका, क्योंकि वो ऑन गोइंग उस समय सीएम भी थी और सीएम ऑन गोइंग सीएम में कभी केस नहीं चल सकता, ठीक है। खैर अब जो है कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था, तो उस समय जो है ट्रिब्यूनल, आपको पता है कि कावेरी का देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कम से कम 200 सालों से ज़्यादा ये लंबा केस चल रहा है। इसमें इशू ये होता है महाबलेश्वर की जो पर्वत अमाउंट है वहाँ से आपका जो कावेरी है रिवर निकलती है और वो तमिलनाडु होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके पानी गिरती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कर्नाटक से ज़्यादा तमिलनाडु में हिस्सा ज़्यादा है, लेकिन क्या करता है तमिलनाडु क्या होता है वहाँ पर डैम चेक डैम बना के ना वाटर की जो कंटेंसिटी है उसको बना वो अपने में स्टोर कर लेता है और बहुत कम पानी जो है तमिलनाडु को जा पाता है। और तमिलनाडु के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं डिपेंड हैं कावेरी के वाटर से, क्योंकि कावेरी बीचों बीच से स्टेट से निकलती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि और तो उसी वजह से केस काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में भी कर्नाटक को बोला था कि आपको जो है 21 सितंबर से 2000 सितंबर के अंदर में 6000 क्यूबिक जो है वाटर देना है। ये केस बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन 2016 में नरीमन जी ने इसको रिप्रेजेंट किया था, तो कर्नाटक को ये ऑर्डर दिया था, लेकिन कर्नाटक ने माना नहीं। ये निकम्मा कर्नाटक ने क्या किया, 2018 में वापस केस आई थी, वापस उसी में भी नरीमन जी थे, उन्होंने कहा कि भैया कर्नाटक जो है इस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहा, अपने मनमर्जी से चल रहा है वहाँ की, जबकि अलग से वो भी कमेटी भी बैठी थी। फिर उन्होंने फाइनली केस में ये दिलवाया कि अब कर्नाटक को है ना पहले जहाँ वो 177.25 क्यूबिक सेंटीमीटर जो पानी दे रहा था उसको बढ़ाकर 192,000 मिलियन क्यूबिक फीट बढ़ा दिया टीएमसी, ठीक है। तो उसमें रिप्रेजेंट नरीमन जी ने ही किया था। तो इस तरीके से जो है इतने बड़े इतने शानदार इतने बहुत ही वेल सक्सीड जो एडवोकेट जी थे वो हमारे पास आउट हो गए, ठीक है, अभी रिसेंटली। तो बहुत ही दुख की बात है, लेकिन इनके केसेस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे गवर्नमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करके गए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है इनका, तो हमें इनसे सीखना भी चाहिए, ठीक है। आप इसको केस स्टडी में आप जो है मेंस के आंसर राइटिंग में और आपके इनके केसेस तो एक से एक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक भी काम है ना। तो थैंक यू, आज का आर्टिकल यही था।